वेलकम टू गामा केरे क्लासेस। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस में न्यू टॉपिक को, यानी आज की टॉपिक में हमारा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी कि हमें डिस्टेंस बतानी होगी, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी अगर हमें दो लाइंस दी हैं एंड उनकी हमें इक्वेशंस बता गिवेन आउट हैं, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? अभी हम आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो फॉर्मूला कौन सा है जिससे कि हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर हमें कोई भी दो इक्वेशंस गिवेन आउट हैं, सपोज अगर r वेक्टर इज इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन दी हुई है ए वन वैक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वन वैक्टर, ठीक है, यानी एक इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू दी हुई है ए वन वैक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स बी वन वैक्टर, क्लियर है। एंड सेकेंड इक्वेशन दी हुई है r वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस लेमडा म्यू टाइम्स बी टू वैक्टर, ठीक है, यानी हमें दो इक्वेशंस क्या हो गई गिवेन आउट है और हमें बतानी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस डी, क्या बोलते हैं एस डी बोलते हैं। तो अब हमारा ये फॉर्मूला होता है ये पूरा मॉड के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, मॉड के अंदर, यानी फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है ए टू वैक्टर माइनस का ए वन वैक्टर डॉट बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, ठीक है, अपॉन में मेरा क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर का, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये कब फॉर्मूला यूज होगा, जब हमारा क्या हो स्क्यू लाइंस हो, क्या हो स्क्यू लाइंस हो और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि ए वन क्या है बी वन क्या है, क्लियर है, क्योंकि लास्ट में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है किसके स्टेट लाइन की इक्वेशन से, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ए वन क्या है और बी वन क्या है। बी वन मेरा क्या है, कोई हमारा डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, पैरेलल में है तो वो क्या हुए डायरेक्शन रेशियो हुए, क्लियर हो गया। अगर हमें क्या हो लाइन पैरेलल दी हो, क्या दी हो लाइन जो हो वो आपस में पैरेलल हो, यानी पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी, जब हमारी लाइन पैरेलल हो तो हमारी इक्वेशन बनेगी, वो बनेगा एच डी इज इक्वल टू बनेगा मॉड के अंदर ए टू वैक्टर माइनस का ए वन वैक्टर एंड डॉट होगा किसके साथ बी वन के साथ बी के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा होगा क्या चीज़, जो हमारा बी वन एंड बी टू होगा यानी डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, कैसे, क्योंकि हमारी लाइंस क्या हैं आपस में पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे सेम होंगे, क्लियर हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, यानी हमारा पैरेलल होने का भी फॉर्मूला निकल के आ गया और अगर हमारा नॉर्मल इक्वेशन दी हुई है तो भी हम फॉर्मूले को लिखे हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, हमारी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की, यानी कह रहा है कि अगर हमें दो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवेन आउट हैं तो उसकी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालनी है। तो बेटा अभी हमने जैसा आपको फॉर्मूला बताया तो उसी का हम यूज करते हुए आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हमें दो वेक्टर फॉर्म दी हो तो हम क्या करेंगे उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार फॉर्मूले को फिर से मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से डिस्कस हो जाए, यानी एच डी इज इक्वल टू हमने जो बताया वो क्या बताया ए टू वैक्टर माइनस का ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू, एंड मॉड ऑफ बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर, क्लियर है, यानी हमने इस फॉर्मूले का डिस्कशन अभी लास्ट में किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करें, देखो बेटा आपको एक सजेशन दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो बेनिफिट मिलेगा,
अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे बट कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसा नहीं होने के लिए आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। एंड अगर आपको टॉपिक पूरा आप कम्प्लीटली अच्छे समझना है तो क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वन बाई वन वीडियो को कम्प्लीटली देखना है एंड विथ अपने नोट्स कम्प्लीट बनाने हैं। तो जब तक नोट्स कम्प्लीट नहीं होंगे तब तक आपको स्टडी करने में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो स्टडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सेल्फ रिटेन से आप अपनी हाथों से जो लिखेंगे तो आपको कुछ अलग ही फील होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यानी ए टू माइनस ए वन चाहिए, पहले हम ए वन की बात कर ले, क्या चले ए वन की, ए वन क्या होगा मेरा टू आई माइनस का जे माइनस का के कैप, ठीक है। एंड बी वन की बात करें तो बी वन क्या होगा मेरा टू आई माइनस का फाइव जे प्लस का टू के कैप, आया समझ में। ए वन एंड बी वन निकाल लिया, अब हम ए टू की बात करें तो ए टू हमारा जो होगा वो सेकेंड इक्वेशन से आएगा, यानी आई प्लस टू जे प्लस का के कैप, ठीक है। एंड इसी तरह मेरा बी टू क्या होगा, बी टू वेक्टर इक्वल टू होगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, आया समझ में। यानी हमने ए वन बी वन एंड ए टू बी टू गिवन आउट कर लिया, ठीक है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, क्या निकालेंगे ए टू माइनस ए वन वेक्टर। तो ए टू कितना है मेरा आई वेक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस का के कैप माइनस, इसमें होगा टू आई माइनस का यानी प्लस हो जाएगा प्लस का के कैप, हमने डायरेक्टली क्या किया है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये होगा मेरा माइनस का आई कैप, इसको इसको प्लस करेंगे प्लस का आएगा थ्री जे एंड इसको इसको प्लस करेंगे कितना आएगा टू के कैप, ऐसा में यानी ए टू वेक्टर माइनस का ए वन वेक्टर हमें गिवेन आउट हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, बी वन क्रॉस बी टू की, यानी बी वन वेक्टर क्रॉस का बी टू वेक्टर की। तो बी वन क्रॉस बी टू क्या होगा, वो हम किससे निकालेंगे, डिटरमिनेंट की सहायता से निकालेंगे, यानी आई कैप जे कैप एंड के कैप। यानी ए बी वन की वैल्यू क्या है मेरी, टू है माइनस का फाइव है एंड यहाँ पे टू है, क्लियर है। इसी तरह बी टू की वैल्यू हमारी क्या आएगी, वन आएगी माइनस का वन आएगी एंड यहाँ पे आएगी प्लस का वन, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, तो क्या आएगा आई कैप फर्स्ट हो फर्स्ट कॉलम यानी आएगा मेरा कितना माइनस का फाइव प्लस का हो जाएगा कितना टू, ठीक है। माइनस का जे कैप फर्स्ट हो सेकेंड कॉलम यानी टू अंजा टू माइनस का टू यानी जीरो हो जाएगा प्लस का के कैप यानी क्या होगा फर्स्ट और थर्ड कॉलम यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टू आएगा एंड इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा कितना फाइव, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का थ्री आई एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्लस का आएगा जीरो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का थ्री के, आया कि नहीं आया समझ में। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी बेटा, ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूओं को आपस में यूज़ करेंगे, यानी हम क्या करेंगे ए टू वेक्टर माइनस का ए वन वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे, क्या निकल के आएगा इसको हम क्या करेंगे आपस में डॉट करेंगे, यानी क्या आएगा माइनस का आई कैप प्लस का थ्री जे प्लस का टू के कैप, थ्री आई माइनस का प्लस का थ्री के, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा माइनस माइनस प्लस का थ्री आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये होगा मेरा क्या प्लस का सिक्स, ठीक है। तो यानी आ जाएगा मेरा कितना नाइन आ जाएगा, ठीक है। यानी किसकी वैल्यू आ गई ए टू माइनस का ए वन वेक्टर क्रॉस डॉट बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू आ गई नाइन। अब हम बात करेंगे किसकी, अब जो हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की, तो वो हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले पे यूज़ करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू को रखेंगे,
यानी हम लगाएंगे एच डी इज इक्वल टू, अब हम इसके प्लेस में ये लिख सकते हैं क्या, 9 अपॉन। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका, बी वन क्रॉस बी टू का, तो यानी ये हमारा आएगा, तो इसका होगा 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 0 प्लस 3 इज 9, यानी आ गया मेरा कितना, फाइनली आ जाएगा मेरा 9 अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट का 18, क्या आ जाएगा, रूट का 18, तो यानी 9 अपॉन हमारा आ जाएगा कितना, 3√2, यानी 3 थीज़ा 9 एंड √2, दैट इज आंसर। तो ये हम क्या लिखेंगे, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन एक और आपको अच्छे से समझाते हैं, जिससे आपका कहीं पे भी डाउट ना हो। देखिए भैया, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यानी हमने लास्ट में जो क्वेश्चन किया था वो भी मेरा सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था और एनसीईआरटी भी क्वेश्चन था। अब ये भी मेरा क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यानी हमें क्या करना है, हमें पहले इसको एक ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर फॉर्म में समझ रहे हैं, यानी हमें एक वेक्टर फॉर्म की इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहले हम इसको फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 8i + 3λi - 9j - 16λj, क्लियर हो गया। प्लस का आया मेरा 10k कैप, प्लस का आया मेरा 7λk कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम i को कॉमन कर लेंगे, यानी i को i वाले कोफिशिएंट हम एक साथ कर लेंगे, यानी i वाला क्या है मेरा 8 है, और यहाँ पे मेरा i वाला कौन सा है, ये है, यानी i वाला मेरा जो है कोफिशिएंट ये 8i, ठीक है, माइनस का 9j, ठीक है, एंड ये हमारा कितना है, माइनस का 9j हो गया, एंड ये हुआ 10 प्लस का 10k कैप प्लस। अब हम क्या करेंगे, i वाले क्या करेंगे 3, एंड यहाँ पे कितना है माइनस का 16, एंड ये हमारा कितना है 3i, हम लिख लेते हैं माइनस 16j, एंड प्लस का आएगा मेरा 7k, ठीक है, इसको लैम्डा को हम क्या कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, किसका, इक्वेशंस का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हमारे सेकंड इक्वेशन अगर हमें दी हुई, आर वेक्टर इज इक्वल टू दी हुई है 15i + 29j + 5k, प्लस का म्यू टाइम्स 3i + 8j - 5k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, यानी हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें निकालना होगा a1 वेक्टर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 8i - 9j + 10k, a1 वेक्टर आ गया। इसी तरह मेरा आ जाएगा b1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना, 3i - 16j + 7k। ठीक है, इसमें हमारा आ जाएगा a2 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 15i + 29j + 5k। ठीक है, इसी तरह मेरा आ जाएगा b2 इज इक्वल टू होगा मेरा 3i + 8j - 5k, क्लियर हो गया। यानी हमारी a1 a2 b1 b2 की वैल्यू क्या हो गई, गिवेन आउट हो गई। अब हम पहले निकालेंगे क्या, a2 - a1 क्या निकालेंगे बेटा, a2 - a1, तो a2 - a1 क्या होगा मेरा, a2 मेरा कितना दिया हुआ है, 15i + 29j + 5k माइनस, a1 कितना दिया हुआ, माइनस का 8i + 9j - 10k। इसको हम जब करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा मेरा, 8 इसमें माइनस होगा यानी आएगा 7i, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 38j, एंड इसको जब हम करेंगे तो माइनस का आएगा 5k।
यानी हमारा ए टू वैक्टर माइनस का ए वन वैक्टर की वैल्यू गिवेन आउट हो गई, जिसकी क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, बी वन क्रॉस बी टू निकालना है। क्या निकालना है, बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू। तो बी वन क्रॉस बी टू क्या होगा, आई जे एंड के, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की यूज़ करते हैं। क्योंकि अब हमारा बी वन की वैल्यू क्या दी हुई है, बी वन की वैल्यू हमारी दी हुई है कितनी, थ्री माइनस सिक्सटीन एंड ये कितनी दी हुई है, सेवन, ठीक है। इसी तरह मेरी बी टू की वैल्यू दी है थ्री एट माइनस का फाइव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी सिक्सटीन फाइव जा एट्टी माइनस सेवन फाइव सेवन एट जा कितना होगा, फिफ्टी सिक्स माइनस का जे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ट्वेंटी वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का के कैप, प्लस का के कैप की बात करेंगे। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी थ्री एट जा ट्वेंटी फोर माइनस यहाँ पे क्या होगा, फोर्टी एट प्लस का आ जाएगा कितना, फोर्टी एट, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सिक्स गया फोर आया एंड इधर गया तो आया टू ट्वेंटी फोर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आई कैप, ठीक है, माइनस इसकी हम आएगा तो आएगा माइनस एंड प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिफ्टीन एंड सिक्स एंड ये कितना होगा थ्री एंड इसकी बात करेंगे प्लस का ये होगा मेरा ट्वेल्व का टू वन कैरी गया यानी फाइव यानी सेवन के, आया समझ में। ये काफ़ी हमारी लंबी चौड़ी वैल्यू आ रही है तो क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए टू डॉट डॉट बी वन वैक्टर कॉस बी टू वैक्टर की, तो क्या आएगा मेरा, अब हम इसकी बात करेंगे तो यानी आएगा मेरा ए टू कितना है, सेवन प्लस थर्टी एट जे माइनस का फाइव के कैप एंड ट्वेंटी फोर आई प्लस थर्टी सिक्स जे प्लस सेवेंटी टू के कैप, आया समझ में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, सेवन का मल्टीप्लाई इसके करेंगे, सेवन फोर जै ट्वेंटी एट का एट टू कैरी गया, सेवन टू जै फोर्टीन फोर्टीन टू सिक्सटीन वन सिक्सटी एट आई कैप, ठीक है। अब हमारे थर्टी सिक्स का मल्टीप्लाई थर्टी एट के साथ होगा, थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई थर्टी एट कितना होगा, तेरह अड़सठ वन थ्री सिक्स एट, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी अगर फाइव टू जै टेन का जीरो वन कैरी गया, फाइव सेवन जै थर्टी फाइव थर्टी सिक्स, ठीक है, यानी ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी इसका मेरा जो आएगा मल्टीप्लिकेशन वो आएगा मेरा प्लस में आएगा, ये आएगा मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा, वन सिक्सटी एट तीन सौ साठ माइनस करेंगे कितना आएगा, छः तेरह तीन छः सात ग्यारह छिहत्तर वन सेवन सिक्स आएगा, इलेवन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड यानी बी वन का और बी टू का, तो वो मैग्नीट्यूड जो आएगा मेरा वो आएगा रूट में टन, यानी फाइनली आ जाएगा मेरा, इसमें हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा रेस करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकालें बी वन कॉस बी टू की, तो क्या आ जाएगा रूट में बी वन कॉस बी टू मेरा कितना आया था, ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स का स्क्वायर प्लस सेवेंटी टू का स्क्वायर, ठीक है, इतना आया समझ में। अब आपको क्या करना होगा, अब इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना होगा,
एट अपॉन 28, यानी फाइनली मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज इक्वल टू आएगा 8/29, ठीक है, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, क्या करना होगा इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा, थोड़ा सा लॉन्ग सॉल्यूशन जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दिया होगा कितना 8/√29, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा यही लगेगा, कहीं पे हमें कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है, यानी प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है, जिससे कि आपका कहीं पे आंसर मिसमैच ना हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशंस दी हों तो हम कैसे इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, कि अगर हमें इक्वेशंस जो गिवेन आउट हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेटा अगर हमें दो इक्वेशंस गिवेन आउट हैं कार्टेशियन फॉर्म में तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को हम वैसे लगाएंगे, तो अगर हम तुमसे पूछें कि इक्वेशंस वन में अगर, यानी इसमें हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशंस को, एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर में, अगर हम तुमसे पूछें कि वो किस लाइन से पासिंग थ्रू हो रही है, यानी पासिंग थ्रू पॉइंट पूछें पास किससे हो रही है, तो पासिंग पॉइंट आएगा मेरा कितना 1, 2, 3, क्योंकि वही तो पॉइंट होंगे x1, y1 एंड z1, क्योंकि यही पॉइंट हमारे क्या होंगे, पासिंग थ्रू पॉइंट होंगे, क्लियर है। अगर हम तुमसे पूछें कि उसके जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 2, 3 एंड 4, ये तो तुम बताओगे। अगर हम तुमसे डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन बने पूछें तो 2, 3 एंड 4, क्योंकि ये हमारे क्या होंगे, सारे डायरेक्शन रेशियो होंगे, क्लियर है। तो अगर हम इसमें भी तुमसे पूछें कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे एंड पासिंग पॉइंट क्या होगा, तो वो आप इजीली से बता लेंगे, यानी क्या होगा, पासिंग पॉइंट 2, 3 एंड 5 इस इक्वेशंस का होगा, ठीक है। एंड अगर हम इसका पूछें डायरेक्शन रेशियो, क्या पूछें, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो की बात करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 एंड 5। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जिस लाइन से हमारी लाइन पास होती है तो वो क्या होता है, ए वेक्टर होता है, एंड जिसके हमारे जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो हमारे बी वेक्टर होते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पूछेंगे ए वेक्टर, तो ए वेक्टर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी पोजीशन वेक्टर बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, आया समझ में। इसी तरह हम पूछें तुमसे बी वेक्टर, यानी जिससे डायरेक्शन रेशियो होंगे, यानी इसको हम a1 मान लेंगे, इसको b1 मान लेंगे, यानी क्या होगा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके पोजीशन वेक्टर की, यानी a2 वेक्टर की, 2i प्लस 3j 5k, आया समझ में। एंड b2 वेक्टर की बात करें तो b2 वेक्टर इज इक्वल टू होगा 3i प्लस 4j प्लस का 5k कैप, आया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें a1, a2, b1, b2 गिवेन आउट हो गए, तो बेसिक सा फॉर्मूला हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो क्या है, hd इज इक्वल टू होता है मेरा a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस का b2 वेक्टर के, ठीक है। यानी हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे एंड a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 पहले निकाल लेते हैं, a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर क्या होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या होगा, a1 वेक्टर ये है, a2 वेक्टर ये है, यानी क्या होगा 2i प्लस 3j प्लस का 5k माइनस a1 वेक्टर क्या होगा i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 यानी क्या हो जाएगा i कैप, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना प्लस का j कैप, एंड इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2k कैप, ठीक है। तो यानी a2 माइनस a1 वेक्टर हमारा गिवेन आउट हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे,
बी वन क्रॉस बी टू की, तो बी वन क्रॉस बी टू आएगा मेरा कैसे, बी वन क्रॉस बी टू। अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे, तो डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे तो आई जे एंड के लिखेंगे, लिखेंगे। अब हाँ, बी वन क्या है, टू थ्री एंड फोर, एंड बी टू क्या है मेरा, थ्री फोर एंड फाइव, यानी आएगा मेरा क्या, आई कैप फर्स्ट टू, फर्स्ट कॉल मेरे थ्री फोर, थ्री फाइव ज़ा 15 माइनस का 4, 4 जो 16 माइनस का जे कैप, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉल में नहीं आएगा 10 माइनस का 12 प्लस का के कैप, फर्स्ट रो थर्ड कॉल में 2 4 8 माइनस का 9, ठीक है। यानी इसको हम सॉल्व करें तो आएगा मेरा माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा मेरा कितना, माइनस माइनस प्लस का 2 जे कैप, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का के कैप, आया समझ में। यानी हमारे b1 क्रॉस b2 की वैल्यू गिवेन आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर एंड डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू का निकालेंगे। यानी हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे करते हैं, यानी हम डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे, वैल्यू में पुट कर देंगे। यानी आएगा क्या, i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप डॉट माइनस i कैप 2j कैप प्लस माइनस का k कैप अपॉन, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे किसका, b1 cos b2 का, यानी क्या होगा 1, एंड j का कोएफिशिएंट 2 यानी 4 यानी प्लस, यानी क्या आएगा 1, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो मेरा क्या होगा, i का i के साथ होगा माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस का 2 माइनस का 2 अपॉन रूट में हमारा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक है। हम मॉड के अंदर आएगा माइनस का 1 अपॉन रूट का 6, ठीक है। तो अब हमें देखो ये मॉड इसलिए दिया हुआ है कि अगर हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसको प्लस में करना है, यानी क्या करना है, मॉड के बाहर वैल्यू को लिखेंगे तो क्या आएगी, 1 अपॉन रूट 6, दैट इज आंसर। क्यों, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कभी भी मेरी माइनस पे नहीं आएगी, यानी क्या आएगा, 1 अपॉन रूट का 6, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एक्सरसाइज के 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, एक्स माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू जेड माइनस 7 अपॉन 1, एक कोई इक्वेशन दी है, सेकेंड इक्वेशन कोई और दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस गिवेन आउट हैं और हमें शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए उसकी डिस्टेंस बतानी है। तो अभी अगर आपने लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, फिर से ये क्वेश्चंस को अच्छे से फोकस करना है। तो क्या करना है, पहले बेटा पहले हमें जो जिससे पासिंग हो रहा है वो पॉइंट हमें निकालना है। तो पासिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, ये होगा यानी एक्स वन, ये होगा यानी 3, वाई वन ये नहीं होगा यानी 5, एंड जेड वन होगा यानी 7। यानी पासिंग पॉइंट की बात करें, पासिंग पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 5 एंड 7, ये हमारा क्या होगा, पासिंग पॉइंट होगा, क्लियर है। तो पासिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा ए वेक्टर होता है, क्या होता है, ए वेक्टर। तो इसका मगर पोजीशन वेक्टर पूछे, यानी ए वन वेक्टर तो क्या होगा, 3i प्लस का 5j प्लस का 7k कैप, आया समझ में। इसी तरह अगर हम तुमसे पूछें कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियो की अगर बात करें, डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 1, -2 एंड 1, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे बेटा। अब हम इसमें इक्वेशंस को क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, यानी बी वन वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, क्लियर हो गया। इसी तरह हम बात करेंगे पासिंग पॉइंट सेकेंड इक्वेशन में, तो पासिंग पॉइंट हमारा क्या निकल के आएगा, जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है वो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा प्लस में दिया हुआ, यानी हमारी वैल्यू क्या है, माइनस की 1 है एक्स वन की, ठीक है। अगर हम वाई वन की पूछें तो वो भी क्या है, मेरी माइनस का 1 है।
एंड जेड वन की क्या है मेरी, माइनस का वन, यानी क्या आएगा इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम पूछें तो ए टू वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। क्लियर हो गया। अगर हम बी टू वेक्टर की बात करें तो बी टू वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा सेवन आई माइनस का, सॉरी मैं पहले एक पॉइंट लिख देता हूँ, सेवन आई माइनस सिक्स जे प्लस का के कैप, क्योंकि हमारा जो पोजीशन वेक्टर आएगा यानी डायरेक्शन रेशियो आएंगे, यानी डायरेक्शन रेशियो डी आर इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा मेरा कितना, सेवन माइनस का सिक्स एंड वन। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी हमारा कुछ इस तरह आएगा, यानी हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए टू माइनस ए वन, क्या ए टू वेक्टर माइनस का ए वन वेक्टर, तो ए टू वेक्टर इज इक्वल टू आएगा मेरा कितना, ए वन ए टू वेक्टर है मेरा माइनस का आई, ठीक है, माइनस ए वन कितना है मेरा माइनस का थ्री आई माइनस का फाइव जे माइनस का सेवन के, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का फोर आई, ये होगा मेरा कितना माइनस माइनस प्लस, यानी आएगा माइनस का सिक्स जे, ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे तो आएगा एट के कैप। ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी ए टू वेक्टर माइनस का ए वन वेक्टर की। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी वन क्रॉस बी टू, यानी क्या निकालेंगे बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर, तो बी वन क्रॉस बी टू क्या होगा आई जे एंड के, यानी बी वन क्या होगा मेरा, बी वन होगा मेरा आई कैप यानी वन माइनस का टू एंड ये होगा वन, इसी तरह होगा यहाँ पे सेवन एंड ये होगा माइनस का सिक्स एंड ये होगा मेरा वन। ठीक है, बी वन की वैल्यू ये आ गई और बी टू की वैल्यू यहाँ से आ गई। क्लियर हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी टू वन जै टू यानी माइनस का टू, इसको आएगा प्लस का सिक्स, माइनस का जे कैप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी आएगा वन माइनस का सेवन प्लस का के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी आएगा माइनस का सिक्स, एंड इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, यानी आएगा टू फोर्टीन, फोर आई, एंड इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का सिक्स जे, कितना हो जाएगा प्लस का सिक्स जे, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का आएगा कितना सिक्स माइनस का यानी एट के का आया। समझ में इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि ये मेरा कैसे आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वैल्यूओं को रखेंगे किस में, एस डॉट डी में यानी शॉर्ट डिस्टेंस में, यानी क्या आएगा ए टू माइनस ए वन यानी माइनस का फोर आई माइनस सिक्स जे माइनस का एट के, एंड इसी तरह मेरा किसका होगा यानी बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू होगी यानी फोर आई एंड प्लस का सिक्स जे प्लस का एट के कैप अपॉन रूट में हमारा आ जाएगा मैग्नीट्यूड बी वन क्रॉस बी टू का, यानी आएगा कितना सिक्सटीन प्लस जे का कोएफिशिएंट यानी थर्टी सिक्स प्लस ये कितना होगा मेरा एट इज सिक्सटी फोर। आया समझ में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा फोर फोर जो सिक्सटीन माइनस का सिक्सटीन माइनस का आएगा मेरा कितना थ्री थ्री जो सिक्स सिक्स जो थर्टी सिक्स एंड ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस एट एट जो सिक्सटी फोर। ठीक है, अपॉन ये आएगा मेरा वन हंड्रेड सिक्सटीन। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का आएगा वन हंड्रेड सिक्सटीन अपॉन रूट का वन सिक्सटीन। ये हमारा किसके अंदर आएगा, मॉड के अंदर आएगा। अगर हम फाइनली इसका आंसर लिखेंगे तो फाइनली आंसर जो आएगा मेरा आएगा रूट में टू रूट ट्वेंटी नाइन। ये क्या हुआ, दैट इज आंसर। ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, और जब हम रूट वन हंड्रेड सिक्सटीन निकालेंगे तो आएगा टू रूट ट्वेंटी नाइन, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, एंड अब हम क्या करेंगे इसी के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।